आज मैं बताने वाला हूँ आपको सन 2024 में आय का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो अगर आप जनसेवा केंद्र की आईडी चलाते हैं तो सरकार का नया अपडेट आया, आपको कोई भी आधार कार्ड की फोटो कॉपी कोई जरूरत नहीं है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, फोटो की एक आवश्यकता है। फोटो चाहो तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप आधार कार्ड वाला फोटो भी लगा सकते हैं। तो हमने एक फोटो, हमने तो सारी चीजें स्कैन की थी, पर आज जो हमने आय का प्रमाण पत्र डाला है तो केवल ओटीपी के माध्यम से सारा वेरिफिकेशन हो गया, नाम पिता का नाम भी आ गया, फोटो भी आ गया और सारी चीजें आ गई। बाकी कुछ एड्रेस और माँ का नाम वगैरह कुछ मैनुअली चीजें भरी हैं, बहुत कम चीजें हैं। तो सन 2024 में ओटीपी के माध्यम से आधार पर जो नंबर लगवा उसके माध्यम से आपका आय का प्रमाण पत्र बनेगा और उसी से पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड पे नंबर नहीं लगाया तो उसको लगवा लीजिए, तभी आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो पहला स्व प्रमाण घोषणा पत्र लगता था, प्रधान का लेटर लगता था, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगती थी स्व प्रमाणित करके। तो आप कोई भी जरूरत नहीं है, आपको केवल आधार कार्ड की ओटीपी से सारा काम हो जाएगा। तो चलते हैं सन 2024 में नई तरीके से आय का प्रमाण पत्र जनसेवा की आईडी से कैसे पड़ेगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स कोई से ब्राउज़र को खोल लेना हो। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेना है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, फिर आपको सीएससी यूज़र डिस्ट्रिक्ट यूज़र पर क्लिक कर देंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो आपकी कोई सी भी जनसेवा केंद्र की आईडी हो वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगी, यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आय प्रमाण पत्र तीसरे नंबर पर है, बाकी नीचे इन्होंने गाइडलाइन दे दी है कि आप जो है आधार नंबर जरूरी है, उससे सत्यापन होगा। तो आप इस गाइडलाइन को पढ़ लीजिएगा। बाकी तीसरे नंबर पर आय का प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर पर जाए या डायरेक्ट। तो हमने जो है एडमिन का आधार नंबर डाला तो वो आगे जाकर हमें सिर्फ एक मानना पड़ेगा, तो ये कस्टमर का आधार नंबर पड़ेगा यहाँ पर जिसका आप बना रहे हैं। तो आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तब उसके कस्टमर के आधार पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। नीचे हरी लाइन में दे दिया ओटीपी, आपका आधार नंबर मुझे मोबाइल नंबर इस पर भेज दिया गया है, ओटीपी आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ऐसे करके नीचे हरी लाइन चल रही है। तो आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आ गया है। अब यहाँ पर आपको डालकर सबमिट मार देना, तब आपका फॉर्म खुल जाएगा यानी कि कस्टमर का जिसका आप आय का प्रमाण पत्र डालना चाह रहे हैं उसका फॉर्म खुल जाएगा। तो ये नया तरीका है। अब तो ये देखेंगे नाम ऑटोमेटिकली आ गया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मैंने कुछ नहीं भरा, बाकी जिला भी ऋषि ने अपना आप ले लिया है और बाकी पिता का नाम भरना पड़ेगा, पिता का नाम भर देंगे, प्रार्थी के जो भी पिता का नाम हो, नीचे माता का नाम भर देंगे। तो इन कुछ चीज़ों को मैं ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, भाषा सेलेक्ट करके हिंदी में भरना है यहाँ पर। बाकी मकान नंबर है तो भर देंगे, नहीं तो मोहल्ले में मोहल्ला भरा जाएगा उसका, या गांव भर सकते हैं। बाकी जिला अपना आप आ रहा, तहसील चुन लेंगे और ग्राम भर लेंगे, ग्राम पहले भरा जाएगा उसके बाद चुना जाएगा। फिर जो है आपको 10वें वाले नंबर पर जाएंगे स्थायी पता, तो उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे। तो उपरोक्त पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा एड्रेस इसमें भर जाएगा। तो ऐसे करके आपको सारा काम कर लेना है इजीली, और कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है। मैं जो है इसको वीडियो को फास्ट मोड में कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर ना लगे, थोड़ा मैं मोटा मोटा बताता चलूँ आपको। तहसील चुन लिया हमने, फिर गांव, इनमें पूरी लिस्ट आ रही है तो गांव चुन लेंगे। आपका जो भी गांव हो हिंदी में ऑटोमेटिकली लिस्ट आती है, सर्च उसमें होता नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ता है काफ़ी देर तक। तो हमने ढूंढ लिया है, फिर उपरोक्त पर क्लिक करेंगे तो पूरा एड्रेस भर गया है। बाकी मोबाइल नंबर ज़रूरी भरना है और व्यवसाय भर देंगे, मजदूरी या कृषि जो भी मजदूरी, वो जो भी कस्टमर का काम हो, तो ग्रीन हो जाता है सही पकड़ लेता है। बाकी घर में कितने मेंबर हैं, 3 भर दिए हमने, तो 3 का जो है नाम भरे जाएंगे, व्यवसाय भरे जाएगा और उनकी आय भरी जाएगी। तो इनके बच्चे ही हैं तो मैंने बच्चों को भर दिया यहाँ पर, और छात्र छात्राएं जो हैं वो भर देंगे। बाकी गृहिणी है तो गृहिणी जो जो कर रहे हों इनके वो भर दीजिएगा। थोड़ा फास्ट मोड में चल रही है वीडियो 2x में, आप टेंशन ना लें, कुछ चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ गोपनीय होती है ना। बाकी मैं तरीका पूरा बताऊंगा आपको। ये 3 चीज़ें भर लिया, 48,000 आय भर देंगे या 36,000, तो 36 लगती नहीं, 48 या 54 नहीं लगती है, तो बाकी इस वाले में भर देंगे। फिर छात्रवृत्ति हेतु भर देंगे, फिर फोटो पर क्लिक करेंगे तो फोटो ले लेंगे। हमने जो फोल्डर में स्कैन कर रखे थे सारी चीज़ें तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप आधार वाला
चूज करना चाहें तो आधार वाला भी हो जाता है। हमने सेलेक्ट कर लिया है, अपलोड पर क्लिक कर दिया तो फोटो अपलोड हो गया है। और ये आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो हेतु टिक करें, इस पर क्लिक कर दोगे टिक ऊपर वाले पे तो आधार वाला फोटो ले लेगा। अलग से लगा लो या आधार वाला लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये टिक कर दिया तो आधार वाला ले लिया, नहीं तो हम अलग से लगाएंगे। आधार अलग से स्कैन कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सारा काम हवा में कर सकते हैं आधार कार्ड की OTP के थ्रू। कोई भी स्कैनिंग कुछ नहीं करनी है, मगर फिर भी हम सुरक्षा के लिहाज से कर लेते हैं। कस्ते से तो हमने कैप्चा भर दिया, फिर दर्ज करें, फिर क्लिक करेंगे और बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, चाहे मैं पूरा जवाब देने का कोशिश करूंगा। बाकी ग्राम की भूमि भर देंगे, 0-0 जमीन है तो जमीन नहीं है बिल्कुल भी, जमीन है तो थोड़ा बहुत भर देंगे इनमें। बाकी टोटल 15वें नंबर पर टोटल वार्षिक आय भरनी है इसमें 48,000। ये टोटल इसलिए आती है कि कई टाइप की आय होती है, अन्य खेती की मजदूरी की, तो वो सब इकट्ठी हो जाती है। तो इनका कुछ काम नहीं, केवल केवल मजदूरी है सब चीज़ें। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, दर्ज करें पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे दर्ज हो गया है। अभी तक आवेदन अग्रेसित नहीं किया गया, ये जनसेवा केंद्र पर ही विचाराधीन है। लाल लाइन आ रही है, पहले नहीं आती थी ऐसी, तो इसको एक बार और चेक कर लेंगे। फोटो भी आ गया और आपको सही है तो दर्ज करें पर नीचे क्लिक करके फिर फीस काट देंगे, तो आपका आवेदन जिले पर पहुंच जाएगा और ऐसी वापसी आपकी आईडी पर आ जाएगी। तो नीचे को एक बार वहाँ देख लेते हैं हम। बहुत आसान हो गया पहले के मुकाबले, मगर जिन लोगों के आधार पर नंबर नहीं लगे हुए उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। दर्ज करें पर क्लिक करेंगे, आपके जो है फीस काटने के ऑप्शन पर चला जाएगा। CSC का आईडी का पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, फिर वॉलेट का पिन का पासवर्ड डालेंगे, ये अलग होता है सैंको का पैसे काटने का पिन। तो ये देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल फॉरवर्ड, ये 30 रुपये की फीस कट चुकी है। कस्टमर के मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा, तो आप रिसीद निकाल कर कस्टमर को दे देंगे और उसके 7-8 दिन बाद, 3-4 दिन बाद स्टेटस देख लेते रहना है, तो आपको आयकर प्रमाण पत्र आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको ये तरीका कैसा लगा और वीडियो से कितने मिले, वीडियो से कितनी मदद मिली आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार भाई।